ये जो सीट है अमेठी वो किसके खाते में जाने वाली है, कांग्रेस या बीजेपी? यही चीज जानने के लिए हम अमेठी में स्वयं आ गए। पांच साल पहले वादा लिंडा इसमें तिरानी पूरा करनी की नहीं करी? कहा करे देखो वोट, देखो कितना वोट आएगा, एक दफा कैमरा इधर आएगा देखो। हम अपना वोट देंगे राहुल गांधी को, सीधे सीधे बात, गांधी परिवार आंख बंद करके, आंख बंद कर, चाहे वरुण गांधी आ जाए, वरुण गांधी स्मृति ईरानी का, अरे उनका तो बात ना करो यार, उखाड़ के सड़क फेंक दें, हमारे सड़क फेंक दें, विश्वास चाहिए, विकास रोड पानी सड़क, तो भाजपा से अच्छा विकास कौन दे सकता है? ये विकास है, ये सचिन का विकास है, सचिन चौराहा यही विकास है, मेन रोड है, मेन रोड इधर गई। मान लो राहुल गांधी ना लड़े तो न लड़े तो बहुत लड़े हैं, जो लड़े वो कहे स्मृति ईरानी को नहीं देंगे वोट हम लोग, स्मृति ईरानी का ना दिए भैया, जब तक हम जीवित रहे गांधी परिवार को वोट दे, जब तक जीवित रही हो, जब तक जीवित गांधी परिवार, स्मृति ईरानी आमने सामने कौन जीत रहा है? गांधी परिवार, गांधी परिवार। ये पांच साल में स्मृति ईरानी ने कुछ किया है अमेठी के लिए? हमारे समझ से तो नहीं किया, कुछ भी किया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ, इस वक्त मैं अमेठी में हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को दोबारा उम्मीदवार बनाया है अमेठी से, तो इस बार ये जो सीट है अमेठी वो किसके खाते में जाने वाली है, कांग्रेस या बीजेपी? यही चीज जानने के लिए हम अमेठी में स्वयं आ गए हैं और अमेठी के लोगों से बात करेंगे कि इस बार जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे होगा, और जो स्मृति ईरानी ने वादा लिया था, वादा तो नहीं कहें सही यार, कहीं साढ़े कह रुपया चाहिए नहीं बताई ना, 13 रुपया वो दिया जाए उन्हें कहो, ऐसी बात नहीं ना, मगर है कि वादा खिलाफी है, वादा खिलाफी कर गई। हाँ, वादा खिलाफी कर गई, यहाँ एक बार आई नहीं, एक बार हिंद हम लोग मंच लगवाया था, हिंद थी। अच्छा, मंच यहीं लगवाए थे आप? सामने यहीं लगे। अच्छा, आप लोगों ने मंच लगवाया, आगे क्यों जा रहे हैं? यहीं पर मंच लगवाया था, यहीं पे लगवाया था। 13 रुपए चीनी बताए, मगर बिकी नहीं, चीनी महंगी नहीं आज तक। अच्छा, विकास की भी बात कर रहे थे, विकास तो क्या बढ़िया किया, ऐसी बात नहीं ना, विकास तो करी मगर उनके कोई वो नहीं। गांधी परिवार अगर मैदान में आता है, ये है वो तो पुराना है, मगर अब उनका बेकार है। अच्छा, मान लो वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ ले तो क्या होगा? वो तो जीत भी सकता है, उनका तो पक्का है, सही है। और राहुल गांधी लड़ ले तो? राहुल में दम नहीं है कुछ, राहुल में नहीं ना कोई दम, मतलब ये सीट वरुण गांधी चुनाव जीत सकते हैं बस? जीत सकते हैं बस, मतलब राहुल गांधी में दम नहीं रह गया यहाँ से? कौनो कुछ नहीं, अरे कांग्रेस का गढ़ है चाचा, गढ़ तो घर है उनका, मगर काम नहीं किया कुछ, अकेले क्या करे अब, उनमें दम ही नहीं है कुछ, पूछो डर बहुत है। ये सड़क नहीं बनी आज तक, ये सड़क आज तक नहीं बनी, सचिन जो गई है उधर को, हाँ, का नाम है घाट, घाट तक ये करीब 5 साल से ऐसी है, ये काम दिखाया गया है, खाली खाली कागज से उम्मीदवार बनाया गया है स्मृति ईरानी को, भाजपा ने बना दिया है। हाँ, तो भाजपा ने बनाया, हमारी मर्जी, मैं वोटर हूँ, जिसको मर्जी जाएगा जिस काम देख के वोट देंगे। तो स्मृति ईरानी को हमारी जिता रहे ना, हमारी मर्जी है, हम समय आने पर वोट देंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ गांधी परिवार अगर कोई लड़ता है, जैसे वरुण गांधी को मान लिया जाए, तो क्या लगता है कि कितना वरुण गांधी इस क्षेत्र से उतारे तो बिल्कुल वोट देंगे वरुण गांधी को, कांग्रेस से या सपा से, चाहे जिस पार्टी से, वरुण गांधी में कॉन्फिडेंस है। क्या करें, क्या करें, जब तक यहाँ हम लोग गांधी परिवार को वोट दे, ठीक, हाँ ठीक है, बाकी वही के बाद वो हार, अरे लेकिन अब 19 में हार गए हैं राहुल गांधी, हार गए क्या करे, हम अपन वोट दे दा, हारे जा जीते। अच्छा, आपका वोट जात है भाई, हम अपना वोट देंगे राहुल गांधी को, सीधे सीधे बात, गांधी परिवार को, आंख बंद करके, आंख बंद कर, चाहे वरुण गांधी आ जाए, वरुण गांधी, मान लो अभी बीजेपी में है लेकिन हवा यही उड़ रही है कि वरुण गांधी हो सकता है इंडिया गठबंधन से लड़े, आ जाए राहुल के साथ, राहुल गांधी के देवे वोट, गांधी परिवार का, ब्याह गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी का, अरे उनका तो बात ना करो यार, उखाड़ के सड़क फेंक दें, हमारे सड़क फेंक दें, होगा ये सब देन कह के आए राहुल गांधी को, देना है राहुल के देना है, और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है चकचका रोड, चकचका रोड जाओ, नहर में पानी नहीं भरे यहाँ आज तक, गेहूँ से चार टोपिल से, विकास चाहिए, चाहे उम्मीदवार बने, हमको विश्वास चाहिए, विकास रोड पानी सड़क, तो भाजपा से अच्छा विकास कौन दे सकता है? ये विकास है, ये सचिन का विकास है, सचिन चौराहा यही विकास है, मेन रोड है, मेन रोड इधर गई है, इसी को विकास कहते हैं। आज तक रोड बनवाने का मरम्मत भाई, आज बिजली एक पानी के लिए
ये हैंड पंप हम सुने किसकी, इनकी सुने की आपकी? हमारे सुनो। अच्छा पहले आपके सुने। हैंड पंप या घंटा बता दो, स्मृति ईरानी लगवा इन पानी पे। हम बहुत छोटी बात आपसे पूछ रहे हैं। अरे मरकरी लगा तो है ऊपर, वो लगा है मरकरी, वो तो हम जाने था मरकरी लगा। मरकरी से मतलब पानी जाना था, ये भी बुझ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जो 5 साल पहले वादा लिंडा इसमें तिरानी पूरा करनी की नहीं करी? कहाँ करे दिया, देखो रोड देखो कितना मस्त रोड आए करते, एक दफा कैमरा इधर देखो कितना मस्त। 2000 दिया कहीं 45 किलो खाद देता है। हाँ सब हमें सबके मतलब मोड़े लाके गांध देता भैया, 50 गांध दिन होगा। 50 बताओ, 50 किलो यूरिया मिलता रही हमें सबका। अब ये मतलब का फायदा है, नहर में पानी नहीं आ रहा है। अरे तो 2000 रुपए तो दिए थे बीजेपी वाले। अरे तो सब काट पीट के हमारे दे रहे हैं। 5 किलो राशन नहीं, कुछ नहीं मिलता। मैं पूरा ना हुई है का पगहा भर चाहिए का है। गरम 5 जने रह 25 किलो पावत है, नहीं बहुत 25 किलो। जब गरम 5 जने हो तू तो 25 किलो पावत है। टमाटर हुए ना बताइयो तो सबका नमूना हुआ टमाटर बता दे। असलियत क्या बता, असलियत नहीं बता रहे। असलियत नहीं बता रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांधी परिवार और स्मृति ईरानी में कितना टफ चुनाव देखा जाएगा? अब तो वक्त बताए भाई, चुनाव आए तो मतलब उठा पटक तगड़ा होगा। उठा पटक तगड़ा होगा। बोलने तो हमारे यहाँ राहुल गांधी जीते हैं। और बताओ अब क्या क्या चाहते हैं? मान लो राहुल गांधी ना लड़े तो ना लड़े तो कहो लड़े हैं वोट। और जो लड़े वो कैसे जीते? स्मृति ईरानी को नहीं देंगे वोट हम लोग, बस स्मृति ईरानी को दोगे ही नहीं जब तक हम जीवित रहे। गांधी परिवार को वोट देंगे जब तक जीवित रही हो। जब तक जीवित रहे, हारे जीते प्रधानमंत्री बने वो हमारा काम नहीं, वो उनका काम। अच्छा उनका काम है, हम अपना वोट देंगे तो विकास कुछ करी नहीं कि नहीं? स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा कही है, जो सड़क रहे वह जल रही, जो बिजली रही वह चली गई, हमें लाइट नहीं मिल रही, नहर में पानी नहीं आ रहा। 5 साल में कितना विकास किया स्मृति ईरानी ने? स्मृति ईरानी ने जो विकास किया है यहाँ हमारे एरिया का, आप तो बखूबी देख रहे हैं। क्या बनाया है? अरे चमचमाए तो रहा है रोड, देखो सुकुल बाजार का जा रहा है। केवल केवल 4 लेन चमचमाए से मतलब कि ग्रामीण विकास मंत्रालय चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या कर रहा है? मान लो वरुण गांधी यहाँ से लड़ जाए तो क्या लगता है, स्मृति ईरानी या वरुण गांधी? स्मृति ईरानी। वरुण गांधी। हाँ वरुण गांधी बेस्ट रहेंगे। वरुण गांधी जीत जाएंगे अगर वो इंडिया गठबंधन से अलायंस से आ जाए? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी से अगर आएंगे तो वरुण गांधी और तेज रहेंगे। अच्छा बीजेपी नहीं, आप उम्मीदवार तो स्मृति ईरानी बना दी गई है, भाजपा ने बना दिया है, अब उसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिलहाल में ये कहा जा रहा है कि अगर गांधी परिवार यहाँ से लड़े लड़ाई रहेगी ना, तो स्मृति ईरानी ने जो वादा लिया था पूरा किया है कि नहीं भैया? नहीं किया। नहीं कुछ भी नहीं किया? नहीं किया कुछ भी नहीं किया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। नहीं किया। तन क्यों नहीं? नहीं कहे मतलब क्या नहीं, क्या होना चाहिए था? अगर करते तो जनता खुश रहती ना, जब करा नहीं जब तो जनता नाराज है भाई। ये 5 साल में स्मृति ईरानी ने कुछ किया है अमेठी के लिए? हमारे समझ से तो नहीं किया, कुछ भी किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कभी उनका विकास वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ऐसा नहीं है, वो 5 साल लगातार बनी रही भाई अमेठी में बनी रही, मगर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना कभी दौड़ा मारे ना कभी कोई मतलब। अब इन पीछे वाला ही रहा घूम घूम के गई है पूरा अमेठी, ऐसा कुछ नहीं। आए तो निकल गए, ना रोड देखे ना किसी का कोई परेशानी ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ का कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं करें। ऐसा ना हो चाचा, आपके आँख वाँख हमें लग रहा सही काम नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा है, ऐसे है। तो अब मान लो स्मृति ईरानी दोबारा उम्मीदवार बनाई गई है भाजपा से, तो अब मैदान में आए गए तो अब क्या सोच रहे हो? अब वो तो नसीब की बात है, जिसका ऊपर वाला चाहेगा वो बन सकता है। ऐसा तो कोई ये नहीं कि एक ही आदमी जैसा उनका कर्तव्य रहेगा वैसा हो सकता है। बदलाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चुनाव आ गया है, स्मृति ईरानी उम्मीदवार बना दी गई है अमेठी से, वही आएंगे, दूसरा कौन आने वाला है? वही जीत रही है, गांधी परिवार से कोई मतलब नहीं है। ये अमेठी वालों को हो के आ गए तो बताते हैं कि गढ़ है राहुल गांधी का यानी कांग्रेस का, था में आ गया है, अब है में नहीं है। तो मैं अमेठी में चर्चा कर रहा था कि इस बार क्या होने वाला है, कौन बाजी मारेगा। एक तरफ स्मृति ईरानी, दूसरी तरफ गांधी परिवार, क्योंकि 19 में जीत कर स्मृति ईरानी ने ललकारा था राहुल गांधी को। अब इस बार क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। जब तक के लिए बने रहे, आप देखते रहे 24 तक न्यूज जनता का इनके साथ।